हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आप कमेंट में हेलो हाय गुड इवनिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की क्लास किस टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आपने थंबनेल में चेक किया होगा। क्योंकि बहुत दिनों से हम जो कंप्यूटर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जो थ्योरी वाला सेक्शन है, थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं, कुछ उनको भी कराइए। तो आज हम थ्योरी वाला लेक्चर लेके आए, लेकिन ये जो लेक्चर है इसमें काफ़ी ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा आपका सीपीसीटी एग्जाम, एमपीएसआई, एसआई, स्टेनो और ग्रुप 2 सब ग्रुप का जो अभी पेपर होने वाला है जनवरी में, उसके लिए। इसके अलावा पटवारी और आपके स्टेट लेवल पे जहाँ पे भी कंप्यूटर आता है, चाहे वो 20 मार्क्स का हो, 25 का हो, 20 40 मार्क्स का हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए। और स्टेट लेवल पे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होता है तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं पर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं। कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें हमने 200+ प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस रखी हैं, 300 PDF मिलेगा, 300 पेजेस का लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स हैं, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं कंप्लीट, चाहे वो पेपर वाइज हो या फिर आपके टॉपिक वाइज हो। अभी आप ज्वाइन करते हो तो स्पेशल ऑफर 21st के लिए। ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं वहाँ से भी सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास का टॉपिक आपने थंबनेल में चेक किया होगा, फिर भी बता देते हैं। डिफरेंस बिटवीन एमएस ऑफिस वर्जन, यानी एमएस ऑफिस के जो वर्जन है, चाहे वो 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, या फिर लेटेस्ट वर्जन 19 हो, इन सारे वर्जन के बीच में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर किसी ने 2007 को पढ़ा है तो 13 में वो क्या क्या पढ़ेगा कि जब वो उसका 13 क्लियर होगा? अगर उसने 13 पढ़ा है तो ऐसा 7 में क्या नहीं था जो 13 वाले वर्जन में है? यानी आप जानते हो कि किसी भी चीज़ के अगर वर्जन होता है तो कुछ बेसिक चीज़ें उसकी रहती हैं, कुछ चीज़ें अपडेट होके वो चीज़ आती है, चाहे वो उसका इंटरफेस हो सकता है या फिर कुछ कमांड को वो चाहे एलिमिनेट करे, यानी कम करे, या फिर ज़्यादा कुछ बढ़ा दे। तो जनरली होता क्या है, जब भी कोई वर्जन होता है तो कुछ चीज़ें अपडेट होके ही आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एमएस ऑफिस के वर्जन समझेंगे कि 2007 और 10 के बीच में क्या डिफरेंस है, 10 और 13 के बीच में क्या अंतर है, 13 से 16 और 16 से 19 अभी लेटेस्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है, आप जानते हो एमएस ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सिस और आपका वन नोट, आउटलुक एक्सप्रेस और विजियो, बहुत सारे एप्लीकेशन का एक कंप्लीट पैकेज है। तो उसमें हम एमएस वर्ड के जो वर्जन है उनको देखेंगे, क्योंकि अगर पर्टिकुलर एमएस ऑफिस को पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को रखा है। और एमएस वर्ड में भी देखो, एमएस वर्ड में जैसा कि हमें हमने यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि 2007 से नीचे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो 7 से हमें 7 और 7 से ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा। तो 7 और 7 से जनरली हम यूज़ भी 7 और 7 से ऊपर ही वर्जन करते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम का जो टारगेट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सभी वर्जन के डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको हमने थोड़ा सा छोटा करने के लिए 2007 और 10 के बीच में क्या अंतर है, यानी कौन कौन सी कमांड हैं जो 10 में ऐड हुई थी 7 वाले वर्जन में, वो हम देखेंगे। क्योंकि फिर 10 से 13 में देखेंगे, 13 से 16 में देखेंगे, फिर उसके बाद एक कंप्लीट लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट के बाद देख लेंगे कि ये वर्जन इसमें ऐड हुआ था। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमारे पास तो 10 है, 13 नहीं है, तो हम 13 को कैसे कंप्लीट करें?
तो अगर आप ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास फिर एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो 7 हो, 10 हो, 13 हो, कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है जो भी जिस भी वर्जन से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं, क्योंकि जब भी हम फॉन्ट का इफेक्ट डालेंगे तो चाहे आप 10 में डालो या फिर 7 में डालो, इफेक्ट तो वही रहना है ना। कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे वो भी सेम रहनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें फिक्स रखी हैं। हाँ, कुछ कमांड है वो एडवांस हुई हैं, उन्हीं एडवांस वर्जन को, एडवांस कमांड को आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 2007 और 10 के बीच में क्या अंतर है, यानी 7 से 10 में क्या चेंजेस हुए थे जिससे वो वर्जन अपडेट हुआ था। चले तो 2007 की हमने यहाँ पर लिस्ट रखी है। लिस्ट में रखा है कि ऑफिस बटन को फाइल टैब में कन्वर्ट कर दिया, पहला पॉइंट हम इस चीज़ को समझेंगे, यही चेंज हुआ था 2007 से 10 के बीच में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कस्टमाइजिंग द रिबन, यानी रिबन जो होती है, आपको पता है रिबन क्या होती है, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा जब हम कस्ट इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब, ठीक है। आप रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में, ठीक है। इसके अलावा इमेज की एडिटिंग वाला जो टूल है वो एडवांस हुआ था। उसके बाद वर्ड आर्ट आपने पढ़े थे, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, तो वर्ड आर्ट में भी कुछ चेंजेस हुए थे, वो क्या थे उनको भी देखेंगे। पेस्ट के प्रीव्यू जो क्योंकि हम जनरली कॉपी पेस्ट तो करते ही हैं, पेस्ट करने की कुछ एडवांस फीचर्स आए थे उनको हम पेस्ट प्रीव्यू बोलते हैं। उसके बाद हम नेविगेशन पैनल चेंज हुआ था, प्रोटेक्ट व्यू जो प्रोटेक्ट व्यू था वो भी चेंज हुआ था, और अंडू आपने देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर अंडू में क्या चेंज हुआ है, तो ये पॉइंट है, इनके हम डिटेल में जाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो फर्स्ट में हम समझते हैं कि जो फाइल टैब है ऑफिस बटन से कैसे चेंज हुआ। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफिस बटन है या फिर फाइल टैब है ये होता क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी टैब हैं हमारे एमएस वर्ड या ऑफिस में, उन सारे टैब के अंदर ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में जो एमएस वर्ड के लेक्चर हैं या फिर एमएस ऑफिस के वहाँ पे आपने चेकआउट किया होगा, नहीं किया है तो आप कोर्स में जाके चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने सारे टैब के जितने भी ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस बटन 2007 में था और इसको रिप्लेस कर दिया फाइल टैब ने, या फिर आप फाइल मेनू बोल सकते हो, लेकिन मेनू आपने सुना होगा, लेकिन अब आप टैब याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टैब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब फाइल टैब अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। इसमें आपकी जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए न्यू कमांड है, ओपन करने के लिए ओपन कमांड है। अगर फाइल को सेव करना है तो सेव कमांड है, फाइल को सेव एज करना है तो सेव एज कमांड है, प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड है। तो ये जो सारी कमांड्स हैं वो आपकी फाइल टैब या फिर ऑफिस बटन में होती है। हाँ, ऑफिस बटन में जो कमांड्स थी वही फाइल टैब में है। कुछ कमांड्स ऐड हुई हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि 2007 में सिर्फ इस बटन को ही रिप्लेस कर दिया नेम से, बाकी कमांड सेम थी। हाँ, कुछ कमांड ऐड हुई हैं लेकिन वो बाकी वर्जन में हुई हैं, चाहे वो 13 में हुई, 16 में, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम 7 से 10 के बीच में डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी कमांड को देख लेना, इनकी शॉर्टकट की क्या है ये देख लेना, और इन कमांड के बेसिक फीचर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया फाइल टैब से, जो कि टैब बार है उसमें ऐड हो गया, जबकि 2007 में जो ऑफिस बटन है वो अलग से टाइटल बार में फिट होके आता था, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड पॉइंट है कस्टमाइजिंग द रिबन, यानी रिबन को कस्टमाइज करना। रिबन को कस्टमाइज, आपने रिबन चेक किया होगा, जैसे अगर मैं रिबन की बात करूं कि रिबन होती क्या है, तो रिबन में तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। रिबन में टैब आते हैं, टैब के अंदर ग्रुप होते हैं, और ग्रुप के अंदर कमांड होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। तो रिबन तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये आपको पता होनी चाहिए कि रिबन कंप्लीट, जैसे अगर पुराने वर्जन में यहाँ पर टूल वार बोला जाता था, उसको आज लेटेस्ट वर्जन में हम रिबन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन रिबन, जैसे टूल वार के अंदर सारे टूल्स
रिबन में सारे टैब, तो इस रिबन को आप क्या कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ कैसे करोगे, ये यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेन टैब्स हैं। जैसे आपने अगर एमएस वर्ड का लेक्चर देखा होगा, मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से टैब होते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है। जैसे होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, ठीक है। और भी देख रहे होंगे, इसमें एक टैब है डेवलपर, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये जो क्लिक है इन्हीं पर रहता है। लेकिन आप चॉइस के अनुसार इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके जो टैबिंग लिस्ट है उसमें रिव्यू नहीं आए, तो आप रिव्यू को यहाँ से डिसेबल कर दोगे तो रिव्यू हट जाएगा। तो ये चीज़ होती है किसी अपने तरीके से कस्टमाइज़ करना। आपने जिस टैब का आप यूज़ ही नहीं करते उसको हटा सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट रूप से आप उन्हीं को रहने देना वो आपके लिए अच्छा होगा। हटा दोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इन फ्यूचर किसी कमांड की ज़रूरत पड़ी जो उस टैब में थी जो हमने डिसेबल कर दिया था, तो आपको फिर ढूंढने में परेशानी होगी। तो आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो डिफ़ॉल्ट रूप से है उसको रहने देना। अगर आपको एडवांस ज़रूरत पड़ती है तो आप टैब को इनेबल कर लेना, ठीक है, डिसेबल मत करना। डिसेबल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे टैब हैं, इन टैब के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं। आप पर्टिकुलर किसी भी कमांड को डिसेबल कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को डिसेबल कर सकते हो। तो ये होता है अपने तरीके से कस्टमाइज़ करना रिबन को। तो रिबन आपकी चीज समझ में आ गई, तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आई है, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड थर्ड पॉइंट पे अगर हम जाएं, तो थर्ड जो कमांड एडिट हुई थी, जो अपडेट हुई थी, वो था टेक अ स्क्रीनशॉट। यानी आप एमएस ऑफिस में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप लोग जानते ही हो कि अगर हम कंप्यूटर यूज़ करें तो कंप्यूटर में हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज़ करते हैं। हाँ, प्रिंट स्क्रीन बटन से दो टाइप से हम स्क्रीनशॉट लेते थे, एक तो एंटायर स्क्रीन यानी जो करंट हमारी स्क्रीन है उसका, और एक होल स्क्रीन, होल डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्या कमांड्स होते हैं ये आपको पता होगा कि अगर हमें होल स्क्रीन, होल डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए प्रिंट स्क्रीन है, अगर एंटायर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए डिफरेंट शॉर्टकट की, ये आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हो तो क्यों हम प्रिंट स्क्रीन करें, हम एक टूल ही यूज़ कर रहे हैं, तो उस टूल का नेम है टेक अ स्क्रीनशॉट, यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे फ़ायदा क्या है, देखो जब आप प्रिंट स्क्रीन से कोई स्क्रीनशॉट लेते हो तो उस स्क्रीनशॉट को आपको पेश करना पड़ता है जब भी आप एमएस ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसमें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपने इस कमांड को सेलेक्ट किया है और जहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया वो तुरंत इस एप्लीकेशन में आके पेस्ट हो जाएगा। ये इसका एडवांस फीचर्स होता है। अब ये स्क्रीनशॉट कमांड आपको कहाँ मिलेगी, तो इसका मैंने पाथ रखा है, आप इंसर्ट टैब में जाओगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाओगे, वहाँ पे एक कमांड ऐड हो जाएगी आपकी टेक अ स्क्रीनशॉट। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको पूछ ले जाएगा किस आपके में डिफरेंट टाइप की जो विंडो। चलिए तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, चलो हम चलते हैं आगे। अगर आपको प्रॉब्लम आई तो कमेंट करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडिटिंग पिक्चर्स, यानी एडिटिंग जो इमेज वाला कमांड है वो ऐड हुई थी। जैसे आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट एडिट, जो ऑब्जेक्ट बोले तो आप इमेज जैसे ऐड करते हैं, एम्बेड करते हैं, तो उस इमेज को क्रॉप करने का एक टूल एडिट हुआ था, उस कमांड का नेम है क्रॉप कमांड, ठीक है। उस क्रॉप कमांड से आप इमेज का पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट साइज से आप उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके कस्टमाइज तरीके से आप जिस भी कॉर्नर से आप जितना क्रॉप करना चाहते हैं तो उस इजीली कर सकते हैं। ये 2007 वाले वर्जन में नहीं था, जबकि 2007 में 10 में इसको अपडेट किया गया, ठीक है। इसके अलावा इस इमेज की बहुत सारी और भी फीचर्स हैं, वो आप राइट क्लिक करके चेक कर लीजिए। जैसे इसमें अगर आपको इमेज को चेंज करना है तो आप कर सकते हो, या फिर इस इमेज को आपको बैक एंड साइड पे भेजना है या फिर फ्रंट साइड पे भेजना है तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एडिटिंग इमेज, एडिटिंग से आपको तात्पर्य यही है, चाहे वो आपका रैप टेस्ट हो या फिर टेस्ट रैपिंग हो, तो या फिर उस इमेज की जो
पोजीशन है वो आपको सेट करनी हो, तो ये सारी चीज़ें आप इमेज की एडिटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या हुआ था, 2010 में जो वर्ड आर्ट थे, वर्ड आर्ट पर कुछ फिक्स थे, ठीक है, उन वर्ड आर्ट को कुछ एडवांस फीचर्स ऐड हुए, उन वर्ड आर्ट को आप लिमिट तक यूज़ करते थे 2007 में, जबकि 2010 में उनकी लिमिट को उनको एक्सटेंड किया गया और एक फीचर्स आया टेस्ट इफेक्ट। टेस्ट इफेक्ट से क्या होता था कि आप उन वर्ड आर्ट की चाहे तो आउटलाइन को फिक्स करना है, उनको शैडो को फिक्स करना है, विलेव को फिक्स करना है, या फिर उनमें डिफरेंट टाइप की जो इफेक्ट है उनको ऐड करना है, तो ये सारे फीचर्स आप कर सकते हैं 2010 में, जबकि साथ में इन सारे वर्जन का फिक्स था। जैसे इन ऑफिस 2007 ओनली इफेक्ट ऑन टेस्ट इन वर्ड आर्ट वेयर इज इन ऑफिस ओनली टेस्ट इन इफेक्ट ऑन द वर्ड आर्ट आल्सो हैज क्विक इफेक्ट लाइक शैडो आउटलाइन रिफ्लेक्शन ग्लो एंड विलेबल। तो ये सारी चीज़ें यानी 2007 में ओनली टेस्ट के ऊपर ही ये वर्ड आर्ट फिक्स होते थे, जबकि 2010 में ऐसा नहीं है। इसके लिए आप शैडो लगा सकते हो, आउटलाइन लगा सकते हो, ग्लो दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें 2010 में ऐड हुई थी। और एक फीचर्स था कि 2007 में वर्ड आर्ट की जो लिमिटेशन थी वो फिक्स थी, लेकिन 2010 में इनका जो इनकी लिमिटेशन को एक्सटेंड कर दिया, वो इनको आप इजीली इन पे इफेक्ट लगा के या शेप की स्टाइल चेंज करके आप इन वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट में जो मेन चेंजेस हुआ था इफेक्ट टेस्ट इफेक्ट इसका नाम है। देखो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक टेस्ट इफेक्ट होता है, एक फॉन्ट इफेक्ट होता है। दोनों पर क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखोगे CPCT वाले पेपर में तो इन दोनों कमांड पे क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सी कमांड है जो टेस्ट इफेक्ट के लिए वैलिड है या फिर फॉन्ट इफेक्ट के लिए वैलिड है। तो आप चेक कर लेना, इसमें ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, जब भी आपने पेपर देखा हो, प्रीवियस पेपर मुझे याद नहीं सही तरीके से कौन से ईयर कौन से किस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्ट इफेक्ट के लिए कौन सी कमांड वैलिड है। इसमें ऑप्शन में शैडो भी था, आउटलाइन भी था, ग्लो भी था, विलेव भी था। तो ये सारी कमांड थी, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वैलिड या फिर इनवैलिड। तो वैलिड तो इनवैलिड तो जब पता होगा, जब आपको वैलिड पता हो कि वैलिड कौन सा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों को देख लेना कि टेस्ट इफेक्ट क्या होता है और फॉन्ट इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेस्ट प्रीव्यू, सिंगल पेस्ट तो हम करते थे सिंपल तरीके से, अब पेस्ट प्रीव्यू आने से क्या हो गया, पेस्ट करने की भी कंडीशन आ गई, यानी पेस्ट तो करना चाहते हैं, पेस्ट आप किस तरीके से करोगे। जैसे यहाँ पर जो एडवांस फीचर्स ऐड हुए थे वो हुए थे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जिस सोर्स पे आप पेस्ट कर रहे हो ना उसकी फॉर्मेटिंग के आधार पर पेस्ट करना है, या फिर मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी आपने जहाँ से लिया है जिस फॉर्मेटिंग लिया है उसी फॉर्मेटिंग के आधार पर पेस्ट करना। कीप ओनली टेस्ट यानी सिंगल टेस्ट पेस्ट करना। इसके अलावा आगे वाले वर्जन जैसे 2013 में एक फीचर्स और ऐड हुआ इमेज वाला, यानी किसी टेस्ट को आप इमेज फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हो। तो ये पेस्ट के कुछ स्पेशल कंडीशन के आधार पर पेस्ट बोल सकते हो या फिर पेस्ट प्रीव्यू बोल सकते हो। तो आप जैसे ही पेस्ट करते हो ना, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, कंट्रोल वी से जो डिफ़ॉल्ट रूप से रहेगा वही पेस्ट होगा, लेकिन जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे ना तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और भी फीचर्स ऐड हुए हैं वो 2013-16 में हुए थे, वो हम आगे देखेंगे, अभी हम 7 से 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेविगेशन पैनल। जैसे हम सर्च करते थे एमएस वर्ड में या फिर एमएस ऑफिस में, तो सर्च के लिए हम जो हमारे पास फाइंड रिप्लेस का जो वट ऑफ पैनल आता था, उस पैनल को रिप्लेस करके नाम दे या फिर डॉक्यूमेंट मैप नाम से आता था 2007 में। अब 2010 में उस पैनल का नेम हो गया नेविगेशन पैनल। ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेविगेशन पैनल क्या है, जब आप सर्च करते हो या फिर कंट्रोल एफ करते हो ना तो जो पैनल खुल के आता है उसको हम नेविगेशन पैनल बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इमेज रखा, आप देख सकते हो जिसमें हेडिंग शो होती है, पेज शो होता है और रिजल्ट जो आप सर्च कर रहे हो वो रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो आप उनके
कंडीशन के आधार पर चेक कर सकते हो, पेज नंबर क्या है, हेडिंग्स कौन सी हैं, या फिर रिजल्ट उनका जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या होता है, तो आप उनके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पैनल होता है वो हमारे विंडो के लेफ्ट साइड में आता है, ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको, क्योंकि इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप कंट्रोल एफ करते हो ना, कंट्रोल एफ से ये पैनल ओपन हो के आ जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप कंट्रोल एफ करते हो तो नेविगेशन पैनल आता है, नेविगेशन पैनल विंडो में किस साइड में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो वो लेफ्ट साइड में आता है, नहीं तो आप चेक कर लेना, आप इसको रिसाइज या फिर मूव भी करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी लेफ्ट साइड या आपका राइट साइड भी आ सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप करोगे ना फर्स्ट टाइम, वो आपका लेफ्ट साइड ही आएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेविगेशन आपके MS ऑफिस पे किस साइड डिस्प्ले होता है, तो आपके लेफ्ट साइड होगा। इसका काम क्या है, इसका काम हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, पेज हो, या फिर हेडिंग हो, ठीक है, अगर हमें सर्च करना है तो उसके लिए हम इस पैनल का हम यूज़ करते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका प्रोटेक्ट व्यू, यानी हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्ट व्यू के फॉर्म में देखते हैं। तो ये व्यू क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का न्यू सिक्योरिटी फीचर्स है। न्यू सिक्योरिटी फीचर्स कैसे, जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, या फिर कोई भी आपकी एक्सेल फाइल है, कोई भी पावर पॉइंट फाइल है, जैसे ही आप अपने इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और उस एप्लीकेशन में ओपन करते हो जिसकी वो फाइल है, तो वहाँ पे आप देखोगे टाइटल बार के जस्ट नीचे एक बार डिस्प्ले होके आती है, वहाँ पे प्रोटेक्ट व्यू लिखा होता है, यानी प्रोटेक्ट यानी ये सिक्योरिटी के तौर पे होती है, यानी जैसा हो जैसी वो फाइल होगी वैसी ही आपको डिस्प्ले होगी। अगर आप इस ओनली इस फाइल को आप रीड कर सकते हो, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उस बार पे एक साइड में लिखा होता है एडिट, उस एडिट पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये फाइल आपकी सोर्स फाइल बन जाएगी, फिर आप उसमें एडिट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करके आप अपने पर्टिकुलर अपनी डॉक्यूमेंट में, अपनी ड्राइव में इजीली सेव कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है वो भी 2010 में ऐड हुआ था। अब हम चलते अंडू, अब आपने सुना होगा अंडू, तो चाहे आप 2007 में करो या फिर 10 में करो, अंडू तो अंडू होता है। अब इस अंडू में क्या चेंज हुआ था, वो चेंज हुआ था यानी अंडू की एक लिस्टिंग है वो दिखती थी, यानी पर्टिकुलर जब आप अंडू के टास्क करते हो, ठीक है, अंडू के कितने टास्क आप कर सकते हो, जैसे आप अगर हम क्लिप बोर्ड की बात करें, जैसे हम क्लिप बोर्ड में जो हमारे टास्क की लिमिटेशन है वो 30 स्टेप तक है, ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम अंडू की बात करें तो अंडू की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, उनको आप डिफॉल्ट रूप से सेट कर सकते हो, वो आपके पर्टिकुलर उन एप्लीकेशन के आधार पर होती है कि एम एस वर्ड में उनका डिफॉल्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, एम एस पावर पॉइंट में अलग होगा, MS एक्सेल में अलग हुआ, तो ये आप अपनी जो आपका ऑप्शंस हैं, जो एडवांस सेटिंग है उसमें जाके चेक कर लेना कि जो अंडू की स्टेप्स हैं वो कितने होते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से उनके आधार पे आप अपने नोटबुक का नोट कर लेना। जनरली उनके जो 2010 में चेंज हुआ था उनकी, जैसे आप अंडू पे क्लिक करते हो अपने क्विक एक्सेस बार में, तो वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आती है, यानी किस स्टेप को आप अंडू करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे तो वो स्टेप आपके अंडू हो जाएगा। अंडू के लिए आपको शॉर्टकट की तो पता ही है कि कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से आपका रीडू होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। ये चेंजेस हुए थे 2010 में, 2007 से, ठीक है, अब 10 से 13 में क्या चेंजेस हुए थे ये हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे यानी इस लेक्चर में आपको कहीं पे भी डाउट आया है या फिर ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे इसी प्रकार और सीरीज यानी 2010 से 13 में क्या चेंजेस हुए थे, 13 से 16 में क्या हुआ, 16 से आपके 19 में क्या हुआ, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट पेपर उठा के देखोगे CPCT या फिर अपने स्टेट लेवल के, तो जो MS ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2016 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अभी हाल ही में आपका 19 को अपडेट किया है, 19 वर्जन को उन्होंने लॉन्च किया है, तो हो सकता है 19 से क्वेश्चन पूछ लें, तो आपके जितने भी सारे वर्जन में उनमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो आप उनको आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे उन क्वेश्चन को। तो आपका कोई भी टॉपिक हो अगर सीरीज अच्छी लगी तो आप कमेंट करना ज़रूर, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT
MPSI, SI स्टेनो या फिर ग्रुप 2, 3, 4 इनके सब ग्रुप, पटवारी, सब इंजीनियरिंग, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम के लिए हमने कुछ कोर्सेज़ बनाए हुए हैं। उन कोर्सेज़ को आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख दिए हैं, उनको भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट करें। चले तो नए, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चले तो नए लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।